खाना कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। हमने अपने चैनल पे खूब सारे परांठों की रेसिपी डाल रखी हैं। आज फिर से हम आपके लिए एक नई रेसिपी परांठे की लेके आए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के परांठे। ये देखिए, मसाला हमारा परांठों के एकदम अंदर तक भरा हुआ है। इन परांठों को आप अगर एक बार बना के खाएंगे तो आप समोसा कचौरी को भूल जाएंगे। खाने में बेहद टेस्टी और साथ में बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनके तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं पराठे की इस रेसिपी को। मूंग दाल के पराठे बनाने के लिए हमने आधा कटोरी मूंग दाल लिया था। हमने जो यहाँ पे दाल ली है, ये दाल धुली हुई मूंग की दाल है। दाल को हमने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था और ये देखिए, दाल हमारी एकदम अच्छे से भीग चुकी है। आप अगर इस तरीके से चेक करेंगे नाखून की सहायता से तो दाल देखिए टूट रही है आराम से। दाल का हमने छलनी के अंदर पानी एकदम अच्छे से निकाल के दाल को झाड़ लिया है। दाल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साथ में हमने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अदरक और 5 छोटी हरी मिर्च ली थी, जिनका हमने कूट के दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 छोटे चम्मच यहाँ पे हमने बेसन लिया है। बेसन का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मूंग दाल को मिक्सी के जार के अंदर डाल के दरदरा सा पीस लेते हैं। मूंग दाल को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा ही पीस के तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें मूंग दाल को पीस के तैयार करना है। मूंग दाल को हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा सा ही पीस के तैयार किया है। सबसे पहले हम मूंग दाल के परांठे बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। और मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मसाला आप घी में बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। घी हमने डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। घी के अंदर हम डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे साबुत धनिया। धनिए को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया है। 1 छोटा चम्मच हम कुटी हुई सौंफ डाल देंगे। सौंफ को भी हमने दरदरा सा कर लिया है। चुटकी भर हम डाल देंगे हींग और अब हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। गैस को हमने मीडियम रखा है। मिर्च अदरक हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और बेसन को हम अच्छे से सेक लेते हैं। बेसन को हम मीडियम गैस के ऊपर ही सेक के तैयार करेंगे। मूंग दाल के परांठों के अंदर थोड़ा सा बेसन डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे परांठों को अच्छे से बाइंडिंग मिलेगी। बेसन को हमने अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दाल। और दाल को भी हम मीडियम गैस के ऊपर अच्छे से सेक के तैयार कर लेते हैं। मूंग दाल को हमने एकदम अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। ये देखिए, मूंग दाल हमारी एक एक दाना अलग अलग हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक। 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और खटाई के लिए हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। मसाले को हम अच्छे से मिला के 1-1.5 मिनट के लिए मीडियम गैस के ऊपर थोड़ा सा सेक लेते हैं। और ये मसाला हमारा एकदम अच्छे से बनके तैयार है। लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी की जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और मसाला हमारा परांठों का बिल्कुल अच्छे से तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं और मसाले को हम अलग निकाल के बर्तन में ठंडा कर लेते हैं। परांठे बनाने के लिए आटा हमने पहले से ही 1/2 घंटे पहले लगा के रख दिया था। और ये देखिए, आटा हमें इतना सॉफ्ट लगाना है। पराठा बनाने के लिए हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। लोई को हमने बना के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा हम लोई को बेल लेते हैं। इस तरीके से हम लोई को बेल के इसके अंदर हम डाल देते हैं दाल वाला मसाला। बस
भर के चम्मच, हम 2-3 चम्मच डाल देंगे और लोई को हम चारों तरफ अच्छे से इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम लोई को पैक कर देंगे। हल्के हाथों से फिर से गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे और अंगुलियों की सहायता से हम लोई को थोड़ा सा फैला लेते हैं चारों तरफ। इस तरीके से हम फैला के लोई को हल्के हाथों से बेल लेते हैं। ज्यादा हमें जोर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से परांठे को बेल के तैयार करना है। ये देखिए परांठे को हमने बेल के तैयार कर लिया है। परांठे को हम डाल देते हैं गरम तवे के ऊपर और मीडियम गैस के ऊपर हम परांठे को सेक के तैयार करेंगे। परांठा हमारा एक साइड से सिक के तैयार हो चुका है, इसको हम पलट देते हैं दूसरी साइड में और ऊपर हम लगा देंगे घी। आप घी तेल जिसमें भी अगर परांठे बनाते हैं वही आप परांठे के ऊपर लगा दें, लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे तो परांठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। दूसरी साइड में भी हम परांठे के घी लगा देते हैं। और गैस को हमें मीडियम रखना है। और ये देखिए पराठा हमारा एकदम अच्छे से कचौरी की तरह फूल के तैयार हो चुका है। चम्मच की सहायता से हम किनारों को दबाते हुए पराठे को सेक लेते हैं। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा देख लेते हैं। दूसरे पराठे को भी हम सेम उसी तरीके से लोई बनाएंगे और हल्का सा इसको बेल लेंगे। वापस से हम पराठे के अंदर मसाला भर देते हैं। मसाला भरने के बाद इसको हम चारों तरफ से अच्छे से फिर से अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरीके से हम बंद करके फिर से हल्के हाथों से घुमाएंगे। फिर से हम हल्के हाथों से पराठे को अंगुलियों की सहायता से थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि मसाला हमारा चारों तरफ अच्छे से पराठे के अंदर चला जाए। पराठे को हम हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेंगे। बीच बीच में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। ये देखिए पराठे को हमने बेल के तैयार कर लिया है। इधर हमारा पहला पराठा एकदम अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। पराठे को हम निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। दूसरा हमारा परांठा सिक के तैयार हो गया है एक साइड से। फिर से हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। दोनों तरफ अच्छे से घी लगा के सेक लेंगे। और ये देखिए दूसरा परांठा भी हमारा एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है। फिर से हम चम्मच की सहायता से दबाते हुए दूसरे परांठे को भी अच्छे से सेक लेंगे। और ये दूसरा परांठा भी हमारा सिक के अच्छे से तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम सारे परांठे बना के तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए मूंग दाल के गर्मा गर्म परांठे हमारे बनके तैयार है। हमारी तो प्लेट लग चुकी है। तो आप कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इनको चटनी के साथ, दही के साथ या फिर अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमारे मूंग दाल के इन परांठों की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।